कहानी का शीर्षक है संदेह। यह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को मैंने अनेक भागों में विभक्त किया है। कहानी का सारांश, शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य तथा पात्रों का चरित्र चित्रण। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कहानी के सारांश की तरफ। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई संदेह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें मनुष्य के मनोविज्ञान को साहित्य के रूप में चित्रित किया गया है। तो आइए देखते हैं। कहानी में राम निहाल एक पढ़ा लिखा महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह नौकरी की तलाश में श्यामा के यहाँ एक किराएदार के रूप में रहता है, ब्रज किशोर के यहाँ, और नौकरी करता है। वह सारा सामान बांध कर श्यामा का घर तथा नौकरी दोनों छोड़कर जा रहा है। श्यामा के बार बार पूछने पर अपनी आत्मकथा सुनाता है। वह 4-5 महीने पहले की घटना सुनाता है। एक दिन शाम के समय उसके मालिक ब्रजकिशोर बाबू उससे कहा कि उसके घर कुछ मेहमान आए हैं, उसे बाजरे अर्थात नाव पर बिठाकर गंगा घाट ले जाओ। रामनिहाल मोहन बाबू और मनोरमा को, जो इस समय ब्रजकिशोर के मेहमान हैं, उसे घुमाने ले जाता है। रास्ते में मनोरमा रामनिहाल को बताती है कि उसके पति को पागल बनाया जा रहा है और वे कभी कभी पागलों जैसी बातें भी करते हैं, अतः उससे सावधान रहे। और यह भी बताती है कि उसका पति उस पर संदेह करता है कि ब्रजकिशोर के साथ मिलकर वह उसे पागल सिद्ध करना चाहती है, जिससे सारी संपत्ति का अधिकार ब्रजकिशोर को और उसे मिल जाए। राम निहाल को मनोरमा के प्रति आकर्षण भी होता है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है, साथ ही साथ सहानुभूति भी होती है। मनोरमा चलते समय राम निहाल से याचना करती है कि वह विपत्ति में उसकी सहायता करे। उस दिन के बाद से मनोरमा लगातार उसको पत्र लिखने लगती है और पटना बुलाती रहती है। अब राम निहाल को संदेह हो जाता है कि वह उससे प्रेम करती है, और यहाँ मनोरमा द्वारा लिखे गए पत्रों के बंडलों को देखकर और राम निहाल के हाथ में तस्वीर को देखकर श्यामा को लगता है कि वह मनोरमा की तस्वीर होगी। परंतु जब वह राम निहाल के हाथ से तस्वीर को लेकर देखती है तो पाती है वह स्वयं मनोरमा श्यामा की तस्वीर थी। श्यामा को आश्चर्य होता है। राम निहाल उससे प्रेम करने का लड़कपन करता है। वह उसे समझाती है कि यह उसका बचपना है। अब श्यामा राम निहाल का भ्रम दूर करना चाहती है और समझाती है कि मनोरमा उससे प्रेम नहीं करती है, वह दुष्चरित्रा स्त्री नहीं है, वह तो केवल उसे सहायता के लिए बुला रही है, इसीलिए उसे उसकी सहायता करके वापस मेरे पास लौट जाना चाहिए। वह कहती है कि जाओ पटना जाकर मनोरमा की सहायता करो, और हक जताते हुए कहती है कि मनोरमा की सहायता करके वापस मेरे घर लौट आना, क्योंकि तुम्हें मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये थी कहानी संदेह। अब ले चलते हैं कहानी के अन्य पहलू की तरफ, जो है कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के संदेहों को जन्म दे देती है, जो प्रायः वास्तविकता से परे होते हैं। उन संदेहों एवं भ्रमों के कारण व्यक्ति के व्यवहार में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये संदेह व्यक्ति की मानसिकता को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार के संदेहों का निवारण आवश्यक है। अब ले चलते हैं शीर्षक की सार्थकता की ओर, कि इस कहानी का शीर्षक संदेह कहाँ तक सटीक है। प्रस्तुत कहानी संदेहों के जाल से बुनी है, जिसमें शक के भ्रामक तथ्य को उजागर किया गया है। यहाँ पर सब एक दूसरे पर संदेह करते हैं। शुरू से अंत तक पूरी कहानी संदेह के दायरे में ही घूमती रहती है, अतः संदेह शीर्षक बिल्कुल ही सटीक, सार्थक एवं उचित है। इस कहानी में सभी पात्र संदेह के कारण ही परेशान रहते हैं। मोहन बाबू अपनी पत्नी मनोरमा पर संदेह करते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोरमा राम निहाल से सहायता मांगती है, परंतु राम निहाल को भ्रम हो जाता है कि मनोरमा उससे प्यार करती है, किंतु राम निहाल श्यामा से प्यार करता है। इस तरह राम निहाल असमंजस की स्थिति में है, उसे मानसिक पीड़ा पहुंचती है। अतः व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल कर हर तरह के संदेह से उबरने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम चलते हैं
इस कहानी के पात्रों की तरफ, तो इस कहानी का सबसे मुख्य पात्र राम निहाल है। वह काफ़ी सज्जन, परिश्रमी, पढ़ा लिखा युवक है। उसका अपना कोई परिवार नहीं है। वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। वह महत्वाकांक्षी इतना है कि एक स्थान पर टिक कर काम नहीं कर सकता। उसका मानना है कि उसका स्वभाव एक मृग मरीचिका की तरह है, जो जीवन भर भागता रहता है। अब इस कहानी की पात्र है श्यामा। श्यामा का जीवन वैधव्य का एक आदर्श जीवन है। वह शीलवती, चरित्रवती है, जिसमें इच्छाओं का दमन करने की अद्भुत शक्ति है। श्यामा के अंदर ममता कूट कूट कर भरी है। वह विवेकशील, गंभीर विचारों वाली है। वह परिस्थितियों को समझकर उसका निवारण करती है। इस कहानी के अन्य और कई पात्र हैं, मोहन बाबू, मनोरमा और ब्रजकिशोर। मोहन बाबू पटना निवासी हैं और मनोरमा के पति हैं। वह हमेशा भ्रम एवं संदेहों के भ्रम जाल में डूबे रहते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी है। वह अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने पति को इस भ्रम के जाल से, संदेहों के भ्रम जाल से निकालना चाहती है। और ब्रजकिशोर बाबू, जिनके यहाँ राम निहाल काम करता है। धन्यवाद।